अलौली प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज बहादुरपुर में मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ पूर्व मुखिया प्रत्याशी के रूप में नामांकन किए हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस मुद्दे पर वह खड़े हुए हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय है कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ और 11 नंबर वार्ड से मैं आता हूँ। नाम प्रवीण कुमार उर्फ सुनील सिंह है मेरा, बस यही परिचय है। किस उम्मीदवार से नॉमिनेशन कराए हैं? पंचायत राज बहादुरपुर में मुखिया प्रत्याशी के रूप में हम खड़े हैं जी, जनता के सामने जी। नामांकन कराया है 22 तारीख को जी। छाप आया सर आपका? मेरा छाप बैगन छाप है, वो भट्टा बैगन जिस तरह से हम लोग बोलते हैं जी, वही गोल आकार का जो भट्टा बैगन होता है वही मेरा चुनाव चिन्ह है जी, जो 6 नंबर पे है जी। तो पहला प्राथमिकता आपको क्या रहेगी? मेरी पहली प्राथमिकता यह है कि जनता मालिक यदि मुझे काम के लायक समझते हैं जी, इस पद के लायक मुझे योग्य मानते हैं जी, और मेरे पे भरोसा है उनको जी, या पहले या पूर्व में जो मेरा चरित्र रहा है, जो सामाजिक मेरा परिवेश रहा है, जिस परिवेश से मैं आया हूँ और समाज में मैं किस तरह से रहा हूँ, इस यही आधार बनता है चुनाव में किसी प्रत्याशी को आगे जाने के लिए जी। तो अगर ये जनता मुझ पर भरोसा करती है जी, तो मैं उनके भरोसे को कायम रखूँगा जी, और समाज में जो सामाजिक वातावरण है जी, कई धर्म के मानने वाले लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं जी, 85 प्रकार के जातियाँ हमारे यहाँ हैं जी जी, तो गरीब अमीर सारे लोग हैं जी, तो सारे जितने भी जनता हैं सारे को एक साथ जोड़ करके समाज में सद्भाव, अमन, शांति जी का हम जो है सो पैगाम देंगे। ये मेरी पहली प्राथमिकता है जी। और दूसरी प्राथमिकता विकास के जो आयाम हैं जी, वो जो छोटी लकीर है उससे मैं बड़ी लकीर करूँगा जी, जो समाज में पंचायत में जो अधूरा कार्य रह गया है जी, जी। मैं जनता के अनुरूप, जनता के चाहने से जी, वो जो क्या राय देते हैं जनता, और ये पंचायती राज का यही नियम है जी, कि आप जब कोई विकास का कार्य करते हैं जी, तो उसके लिए जो है सो वार्ड सभा है, ग्राम सभा है जी, इसके माध्यम से आप उन योजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर चुनते हैं जी, जो जनता के मूलभूत समस्या जो होती जी, है जी, तो उसके अनुरूप जो है सो समस्या का समाधान करने के लिए जी, उसी ग्राम पंचायत में जो आम सभा लगता है जी, उसके माध्यम से हम इसको चुनने का काम करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपके पंचायत में कितना वार्ड है? मेरे पंचायत में कुल 18 वार्ड हैं जी, और हमारे पंचायत के अंतर्गत टोला के रूप में मैं यदि कहूँ तो बहादुरपुर पूरे, लक्ष्मीपुर टोला, इमली जी, सोनिहार जी, रामनगर जी, ये तमाम टोला मिला करके एक हमारा पंचायत है जी, और ये पंचायत की अपनी एक खूबसूरती है कि लोकतंत्र को हम लोग जिंदा रखते हैं जी, और आपस में सद्भाव के जी, सद्भाव से हम लोग चुनाव लड़ते हैं जी। जिस तरह पूर्व मुखिया थे आपके पंचायत का, उस तरह तो आप काम नहीं कीजिएगा जनता के बीच? देखिए, जो पूर्व मुखिया जिस तरह से कार्य उन्होंने किया है जी, वो जनता उनको काफ़ी लंबा समय दिया, अरसे बहुत लंबे समय से जी जनता उनको चुनती आई है जी, तो जनता चुनने का काम किया और उनको समय भी ज़्यादा मिला जी। मेरी टिप्पणी इस पर यह है कि जनता जो है वो सबसे बड़ा अदालत है जी, और हम दो आंख से अगर देखते हैं किसी को जी, तो जनता की हजारों आंखें होती है जी, जी। इसमें मैं ज़्यादा गहराई से नहीं बात नहीं करके मैं ये जानना जरूर चाहूँगा, ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को आपके माध्यम से जी, कि जनता जो बड़ी अदालत है, जनता की अदालत में हम सारे उम्मीदवार हैं जी, और पुराने जो मुखिया हैं जी वो भी रहे हैं, उनका भी कार्यकाल लोग जनता ने देखी है जी, जी। तो सारे मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि अब तो वो चुनाव की बारी है जी, अब जनता जनार्दन के दरबार में हम लोग हैं जी, जनता जो निर्णय लेगी जी, और जो हमारा विजन है जी, जब मुझे कार्य के लिए लगाया जाएगा, इस योग मुझे समझा जाएगा जी, तो मेरा अपना विजन है। तो ठीक है, चलिए, हम जब उधर से गुजर रहे थे, पंचायत भवन का स्थिति बहुत खराब है, पंचायत भवन के लिए क्या कहना चाहते हैं? पंचायत भवन में हमारे यहाँ जो है सो
पंचायत भवन जो जिसको बोल रहे हैं वो दरअसल यहाँ पे पंचायत सरकार भवन उसका नाम है। जी जी। तो पंचायत सरकार भवन जो है जी वो सरकार का जो है सो बहुत ही अच्छा योजना है सरकार की। हाँ, सरकार ने इस तरह से तय किया है कि जिस तरह से सेक्रेटारिएट होता है काम करने के का जगह होता है जी जी, तो काम में तेजी लाने के लिए पंचायत सरकार भवन है जहाँ पे पंचायत के सारे प्रतिनिधि और सारे कर्मी जी, जो ब्लॉक का सबसे जो अहम काम है वो पंचायत से ही हो जी, तो वो बहुत बड़ा परियोजना है जिसके लिए हम लोगों को लगता था कि यहाँ पे पंचायत सरकार भवन होगा अन्य पंचायत की तरह जी, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ ये नहीं हो सका है। तो मैं इसको प्राथमिकता के तौर पर लूँगा। हमारे क्या कहना चाहते हैं आप? शिक्षा का, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो शिक्षा को लेकर के हम यही कहेंगे कि युवाओं के बीच जो है, छात्र के बीच जी, न सिर्फ विद्यालय की जरूरत होती है जी, बल्कि उसको एक अच्छा पुस्तकालय की भी आवश्यकता होती जी, है जी, जहाँ पे हमारे छात्र बैठते हैं जी, तो डिबेट होता है जी, किसी विषय पे चर्चाएं होती है जी, तो मैं स्टूडेंट के लिए ये जरूर कहूँगा। और दूसरी सबसे जो बड़ी समस्या है हमारे यहाँ वो सर्वांगीण विकास छात्र का हो, इसके लिए उसको खेल से भी जोड़ना पड़ता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम से भी उसको जोड़ना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि उनके लिए एक अदद फील्ड की ज़रूरत है, मैदान जहाँ पे वो अपने शारीरिक दृष्टिकोण से वो अपने को फिट रखे और खेल के माध्यम से वो आगे बढ़ते हैं। खेल 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 का भी आरक्षण है सरकार में, खेल के माध्यम से भी लोग नौकरी में जाते हैं। तो शिक्षा के मामले में शिक्षा का एक वो भी एक पार्ट है जी, जिस पार्ट को हम चाहेंगे कि खेल का मैदान हमारे पंचायत में है भी जी जी, लेकिन कहीं किसी कारण से वो अतिक्रमित है जी। मैं अतिक्रमण को सरकार में बात रख करके अतिक्रमण को दूर करूंगा और पंचायत में एक मैदान जो होना चाहिए स्टूडेंट के लिए जी, उसकी आवश्यकता है। और शिक्षण कार्य का जहाँ तक सवाल, सरकार से मांग कीजिएगा मैदान। आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ कि फंड की जानकारी मुझे है कि मुखिया का कितना अधिकार है वो मुझे मालूम है जी जी, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपको जानकारी दे रहा हूँ जी कि हमारे यहाँ जो है सो फील्ड ऑलरेडी सरकार के नाम से, राज्यपाल के नाम से जी, महामहिम राज्यपाल के नाम से आवंटित है जी जी, और लिखित है, ठीक है ना। तो उसको तकरीबन 4 बीघे का है जी, तो उसको कहीं पे किस तरह से वो हमारे बीच नहीं आया है, जनता के बीच जी, मैं इस कार्य को देखूंगा जी, और सरकार के स्तर पर इस पर बात करूंगा जी, और गंभीरता पूर्वक इसको प्राथमिकता सूची में ऊपर रखूंगा ताकि स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास हो सके और विद्यालय का पठन पाठन जहां तक है जी, तो मैं सारे शिक्षक गण से भी अनुरोध करूंगा, चूँकि हमारे वो प्रतिष्ठित शिक्षक होते हैं समाज में जी, तो उनको मैं दायित्व से आभास कराऊंगा कि आप राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं जी, और आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं शिक्षक के रूप में। मैं शिक्षक संतान रहा हूं जी, मेरे माता पिता भी शिक्षक रहे हैं, रिटायर किए हैं जी, मेरी पत्नी भी शिक्षिका है जी, तो मैं शिक्षक से सारे शिक्षक से अनुरोध करूंगा जी, जब मुझे ये अवसर आएगा, और अभी भी जिम्मेदारी पहले भी है आज भी है, तो उसको जो है सो निर्वहन करूंगा और मैं उन्हें बतलाऊंगा कि आप राष्ट्र निर्माता हैं जी, तो वो उनको बतलाऊंगा और समय पर पठन पाठन को दुरुस्त करूंगा। हमारे चैनल में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।